जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पर आज हम मुलाकात करने वाले हैं ऐश्वर्या के साथ, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐश्वर्या ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने जीवन की पहली भर्ती दौड़ी, और उसी भर्ती में इन्होंने एक कारनामा कर दिया है। आखिर इन्होंने वहाँ जाके क्या किया, ठीक है, और ये भर्ती इनके लिए जीवन भर के लिए यादगार बनी रहेगी। तो आज इसके बारे में जानेंगे ऐश्वर्या से ही कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा इनकी पहली भर्ती में, और क्या इन्होंने कर दिखाया है जो अक्सर लड़कियों के लिए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। ऐश्वर्या जी, स्वागत है आपका इस वीडियो में। नमस्कार सर, मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है और मैं गलमा की रहने वाली हूँ। और मैंने फोर्थ क्लास से खेलना स्टार्ट किया था। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ और हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं, बल्कि लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, बट ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियाँ चाहे तो लड़कों से ज़्यादा है, पर मैं यही सभी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे, और लड़कियाँ डरती हैं हमेशा आगे जाने से, तो ऐसा नहीं है। पर लड़कियों की फैमिली जैसे कईयों की नहीं करती है सपोर्ट, बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैंने फोर्थ से खेलना स्टार्ट किया, फैमिली ने कभी मना नहीं की मेरे को, और आज मैं यहाँ पैरामाउंट रॉयल एकेडमी नेर चौक में पिछले 3 साल से मतलब यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, और सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो चलिए, जैसा कि ऐश्वर्या ने बताया कि ये तकरीबन 3री-4थी कक्षा से ही इन्होंने जो है स्पोर्ट्स की लाइन इन्होंने चुन ली थी। तकरीबन इनकी उम्र उसमें 8-9 वर्ष की होगी। लेकिन देखिए, जब भी हम किसी लड़की की बात करते हैं इस लाइन में जाने के लिए, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी रहती हैं जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की लाइन हो, चाहे वो अपना डिफेंस की लाइन हो। तो सबसे पहले हम ऐश्वर्या से ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि मैं आज की बात करूँ तो उम्र कितनी है। मेरी उम्र 19 साल है अभी। ऐश्वर्या की उम्र तकरीबन 19 साल है, और यहाँ मैं बात करूं तो हमारे पास जितने भी कैंडिडेट हैं वो मैक्सिमम मेल कैंडिडेट रहते हैं, और ऐश्वर्या जिस बैच में दौड़ती है उसमें तकरीबन 70 लड़के हैं। उन 70 लड़कों में इकलौती लड़की है, और उन जब इनका रूट शुरू होता है, जब वर्कआउट शुरू होता है, तो उन लड़कों को भी चैलेंज करती है। इसका जिसको हम कह सकते हैं मोटिवेशन लेवल काफ़ी ऊपर का है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपका मोटिवेशन का जो स्रोत रहा वो क्या रहा। वो मेरे गुरुजी है सबसे पहले, कि वही मुझे सपोर्ट करते हैं कि तू दौड़ सकती है, तू कर सकती है, तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, मैं बॉयज़ से ज़्यादा दौड़ सकती हूँ। और बॉयज़ जो मेरे ग्रुप में है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि तू दौड़ सकती है ऐश्वर्या, और तू बॉयज़ से ज़्यादा भी निकल सकती है आगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐश्वर्या का कहना है कि जितने भी इनके बैच में बॉयज़ हैं वो इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और आप खुद इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि 60 लड़कों के बीच में जब एक लड़की दौड़ रही है तो उसका मोटिवेशन लेवल किस हद तक का होगा। तो यदि ऐश्वर्या, हम आपके ड्रीम की बात करें तो आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम मेरा इंडियन आर्मी में जाने का है। जो मतलब जैसे लोग हैं कि बोलते हैं लड़कियां फौज में नहीं जा सकती, बट ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां फौज में भी जा सकती हैं और लड़कों के बराबर फाइट भी कर सकती हैं। मैं लोगों की बात करूं तो लोग हमेशा ऐसा ही बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, बट मेरा ड्रीम फौज में जाने का है, और सोचा है ऐसा कि जाना है तो जाना है। हाँ, यदि मैं ऐश्वर्या की बात करूँ, इसका मैं व्हाट्सएप या फेसबुक में मैं जब भी स्टेटस देखता हूँ, ये जब भी अपना स्टेटस डालती है उसके नीचे एक वर्ड लिखा रहता है, क्या रहता है? फौजन। फौजन है ना, मतलब फौज में जाने का इनका इतना जुनून है, इनका फ़ोन में जाने का जो सपना है वो काफ़ी पहले का है, और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, और तकरीबन 3 सालों से यहाँ मेहनत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती डिस्ट्रिक्ट मंडी की गागल में हुई थी, तो वहाँ जाके ऐश्वर्या ने क्या किया अभी इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो लड़कियाँ रहती है वो अक्सर अपने घरों में या अपने पेरेंट्स के जो दबाव में रहकर जो है स्पोर्ट्स में नहीं जा पाती, अपना दिल का जैसे दौड़ना चाहती है, सेना में जाना चाहती है, तो काफ़ी आस पड़ोस वाले उनके रास्ते में जो है काफ़ी दिक्कतें पैदा कर देते हैं, कई बातें बनाते हैं। लेकिन ऐश्वर्या ने इन सभी भ्रमों को तोड़कर बिना किसी की टेंशन किए जो है अपने एम पे अपना फोकस किया है, और अभी वो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रही है और सेना में जाने का सपना देखती है। तो अभी हम जानते हैं कि ऐश्वर्या ने कड़ी मेहनत, ऐश्वर्या ने जैसा कि बताया कि लगभग 3 साल से यहाँ हमारे साथ ट्रेनिंग कर रही है, तो 3 साल के बाद जब इनके जीवन की लाइफ की जो पहली भर्ती थी, मुझे ध्यान है लास्ट टाइम जब 2019 में HP पुलिस की भर्ती थी तो शायद आप अंडरएज थे। यस सर। हाँ, ये अंडरएज थे तभी से यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन अब जब इनको भर्ती का मौका मिला तो आप अपना भर्ती का एक्सपीरियंस शेयर करें कि आखिर आपने उस भर्ती में ऐसा क्या किया कि वहाँ के जो हमारे ऑफिशियल्स थे उन्होंने आपको आपके टैलेंट को देखते हुए वहाँ पर आपको तत्काल जो है एक प्राइज़ दे दिया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस था और उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने जो है आपको जो है वहीं पर जो है प्राइज़ दे दिया। चलिए, सबसे पहले जब मैं सुबह घर से निकली तो मैंने यही सोचा कि आज मैंने ग्राउंड निकालना है तो निकालना है। सबसे पहले गुरुओं का ध्यान किया, ताकि जो मेरे को इतने सालों से सर ने कोच किया है कि सर को भी लगना चाहिए कि कुछ बेटी करके आई है। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लड़की आई थी। एक मन तो ऐसा भी किया कि घबराने का, फिर सोचा कि नहीं, जो मेरे को मेरे गुरुओं ने सिखाया है मैंने वही करना है। बाद में जब मेरी 100 मीटर की रेस हुई तो उसमें मेरे 14 सेकंड आए,
उसके बाद मेरा चेस्ट वगैरह हुई, उसके बाद फिर हाई जंप के लिए मेरे को भेज दिया। हाई जंप मैंने एक ही टाइम में क्वालिफाइड कर दिया। उसके बाद तुरंत मेरा लॉन्ग जंप हो गया। लॉन्ग जंप में जैसे ही मैंने मेरी लास्ट पोजीशन थी, उसके बाद जैसे लास्ट में खड़ी हुई थी मैं, उसके बाद मेरे को बोला उन्होंने कि लॉन्ग जंप मार। मैंने लॉन्ग जंप बॉयज़ से ज़्यादा कॉम्पिटिट करने की कोशिश की थी। फिर फर्स्ट टाइम में मैं थोड़ी सी पीछे रह गई उस लाइन से। दूसरी बार मेरे को जब मैं चली गई थी, उन्होंने बोला बेटा आप क्वालिफाइड है। फिर मेरे को फिर से बुलाया गया और बोला कि आप बॉयज़ से ज़्यादा कॉम्पिटिट करेंगे तो हम आपको प्राइज़ देंगे। फिर मैंने बॉयज़ से ज़्यादा लॉन्ग जंप मारा और उन्होंने मेरे को प्राइज दिया। तो ऐश्वर्या के डेडिकेशन और इनके जो स्किल्स थे उनको देखते हुए जो वहाँ पर ऑफिशियल थे, उन्होंने एक बार फिर से ऐश्वर्या को बुलाया और कहा कि यदि आप जो बॉयज़ हैं उनके ज़्यादा अगर लॉन्ग जंप आप मार लेंगी, यदि आप उनको चैलेंज दे देंगी तो आपको जो है एक इनाम दिया जाएगा। तो ऐश्वर्या ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और बिना डरे पूरे साहस के साथ इन्होंने लॉन्ग जंप अटैम्प्ट किया और उन्होंने जो उनको चैलेंज दिया था उसको पूरा किया और जो ऑफिशियल थे उन्होंने जो है इनको पुरस्कृत किया। तो प्राइज़ में आपको क्या दिया गया था? 500 की राशि दी गई थी मेरे को और 200 की लास्ट में। हाँ, टोटल जो है इनको 500 और 200 मतलब 700 का जो है कैश प्राइज इनको दिया गया। और ऐसे ऑफिशियल्स जो ऐसे टैलेंट्स को परख कर जब इनके सामने टैलेंट आता है तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ ऐश्वर्या यदि हम बात करें भविष्य की, अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा है कि इंडियन आर्मी में जो परसेंटेज जो रहता है वो थोड़ा उसमें परसेंटेज का इशू रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है SSC का प्रेपरेशन कर रहे हैं क्योंकि फोर्स तो फोर्स है। लेकिन यदि आप कुछ कहना चाहें जो आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं यदि कोई हमारी वीडियो देखेगा तो जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है क्या उससे आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? ये जो आर्मी वाले हैं इन्होंने गलत किया है कि ये 80 फर्स्ट टाइम जब 2019 में भर्ती हुई थी तो इन्होंने 86% ले गए थे, बट लड़कियों के लिए बहुत गलत है। लड़कों को जब 45% से उठाया जाता है तो लड़कियों को भी 45% से ही उठाना चाहिए, क्योंकि ये लिख तो देते हैं अखबार में कि भाई 45% लड़कियों के लिए है, बट जब एडमिट कार्ड निकलते हैं तो 86% वालों को ही एडमिट कार्ड निकलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां 86% है वही ग्राउंड क्वालिफाइड कर पाएंगी, क्या पता जिनके 50% है वो भी ग्राउंड में फर्स्ट आ सकती है। जी हाँ, तो ऐश्वर्या ने कहा कि जैसा कि यदि हम बॉयज़ की बात करें इंडियन आर्मी ZD की बात करें तो उनका जो परसेंटेज जो रहता है 45% रहता है और पास मार्क्स उनको हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन जहाँ लड़कियों की बात आती है, वैसे तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब जो हमारे देश की जो बेटियाँ हैं वो जो सेना में जाने का अपना सपना देखती है उसके लिए जब वो कार्यरत अपना काम करती है प्रैक्टिस करती है तो कई बार जो उनकी जो परसेंटेज है उनके रास्ते का रोड़ा बन जाती है, क्योंकि जो परसेंटेज रखा है इसमें क्या कहते हैं पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा दिए जाएंगे लेकिन लास्ट में इसका जो कट ऑफ 80-90% चला जाता है। लेकिन जो लड़कियां हमारी स्पोर्ट्स लाइन से सेना में जाना चाहती है तो उनका जो परसेंटेज तकरीबन हम देखते हैं कि 70-80 के आसपास रहता है, लेकिन जो कट ऑफ है इस बार भी शायद 86 के आसपास हमारा गया था। तो ऐसी जो बेटियां हैं वो इस सिस्टम से पूरी तरह से नाराज है, उनका भी ये कहना है कि उनको भी लड़कों के बराबर मौका दिया जाए ताकि वो भी इंडियन आर्मी में जाने के अपने सपने को पूरा कर पाए। तो ऐश्वर्या बाकी यदि आप कुछ लड़कियों को जो अभी सेना की तैयारी कर रही हैं उनको आप यदि कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं? मैंने कुछ नहीं कहना, मैं बस यही कहूँगी कि अपने गुरुओं का सम्मान करें और उनके जो भी टीचर मतलब जैसे बताते हैं ग्राउंड में वो वैसे रेगुलर चलते रहेंगे तो हमेशा आगे ही निकलेंगे। जी, तो इनका कहना है कि आप जो है जितने भी आपके गुरु हैं आप उनका सम्मान करें, उनकी बातों को फॉलो करें और आपका जो अपना एम है ठीक है उस एम पर आप डटे रहें। खासकर वो लड़कियां जो अपनी सेना भर्ती की तैयारी कर रही हैं वो लोगों की परवाह ना करें क्योंकि लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आपको बस अपने ड्रीम पे काम करना है, आपको सिर्फ अपना मेहनत करना है और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे वही लोग आपको बधाइयां देंगे और वही लोग आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे जो आज आपको ताने मार रहे हैं कि एक लड़की है फौज में कैसे जाएगी, वहां जाके क्या करेगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी। तो यही हमारी सोसाइटी की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐश्वर्या का भी यही कहना है कि आपने सिर्फ अपना सोचना है, अपने सपने का सोचना है, बाकी किसी का नहीं सोचना है। तो ऐश्वर्या आपका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही सेना की वर्दी में नज़र आएं और देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। आज की वीडियो में इतना ही, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर तुलसी सर भी है तो मैं चाहूँगा कि तुलसी सर कुछ शब्द कहें उन लड़कियों के बारे में जो अभी सेना भर्ती की तैयारियाँ कर रही हैं। जय हिंद साथियों, मेरा यही संदेश है उन लड़कियों के लिए कि आप कड़ी मेहनत करें, दिन रात प्रैक्टिस करें, जो आपको बताते हैं उसका पालन करें तभी आप सक्सेस होंगे। धन्यवाद। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप भी इंडियन आर्मी का सपना देखते हैं और इंडियन आर्मी में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।